दुर्ग जिले के भिलाई 3 में एक बारहवीं के छात्र को पहले कुछ परिचितों ने नशे की लत लगाई। इसके बाद माता पिता को बताने की धमकी देकर छात्र के घर से 12 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के करीब 2 महीने बाद भिलाई 3 पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि प्रार्थी अपने परिवार के साथ पदुम नगर में रहता है। हदखोज भिलाई 3 क्षेत्र में फैक्ट्री है। उसका बेटा 12वीं का छात्र है जो रायपुर के एक स्कूल में पढ़ता है। वो छात्र पर सोना लाने का दबाव बनाते रहे। 18 जून शाम 6 से 7 बजे के बीच दो युवक छात्र के घर आए और अलमारी से सोने का हार, सोने की चूड़ियां और सोने की अंगूठी चोरी कर ले गए। 30 अगस्त को पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभी तक दोनों आरोपियों से आभूषण बरामद नहीं हो पाए। ओल्ड भिलाई थाने में एक नाबालिग युवक से दो युवकों ने मिल करके ठगी की। उसको ऊपर पहले दोस्ती की, फिर उसके बाद उनसे पैसे मांग लिए, घर के सोने चांदी जेवर भी मांग लिए और उसको सट्टे में लगा दिया। जब प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया तो उस पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया है।